नमस्कार, आज मैं अर्नव दीवान, आईआईटी मुंबई का छात्र, आप लोगों को गति के यानी मोशन के दूसरे भाग के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। हमने पहले भाग में गति का वर्णन के बारे में पढ़ा था, सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ा था हमने, और एक समान गति और असमान गति के बारे में भी पढ़ा था। हमने गति की दर का मापन भी पढ़ा और दिशा के साथ चाल भी पढ़ी। हमने वेग में परिवर्तन की दर पढ़ी, जिसे हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। आज हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें अनेक प्रकार के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दूरी समय का ग्राफ, वेग समय का ग्राफ और आदि ग्राफ। हम अंत में ग्राफीय विधि से गति के समीकरण भी निकालेंगे और हम इसके बाद एक समान वृत्तीय गति के बारे में भी पढ़ेंगे। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रन बार ग्राफ से दिखाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। दूरी समय ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ का ओबी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं, तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम ग्राफ के भाग AB को लेंगे। बिंदु A से x अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु B से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ पर AC समांतराल T2-T1 को बताता है, जबकि BC दूरी S2-S1 को बताती है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में T2-T1 समय में S2-S1 दूरी तय करते हैं। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। वेग यानी वेलोसिटी S2-S1 / T2-T1 है। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो नीचे दिया गया है वह इस्तेमाल होता है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति दूसरे ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। अब हम वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारे इस उदाहरण में वस्तु की गति यानी वेग 40 मीटर पर सेकंड है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। इस चित्र में T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 व T2
के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंबाई खींचनी होगी। 40 मीटर पर सेकंड के वेग को ऊंचाई AC या BD और समय T2 माइनस T1 का लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा S है, यानी जो दूरी तय की गई है, वह AC इंटू AD है, यानी 40 मीटर पर सेकंड इंटू T2 माइनस T1 सेकंड, जो हमें 40 इंटू T2 माइनस T1 मीटर देता है, यानी जो दूरी इस कार या इस वस्तु द्वारा तय की गई है T2 और T1 समय में, वह 40 इंटू T2 माइनस T1 है। और इस उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो T2 हमारा 12 है और T1 हमारा 6 है, यानी T2 माइनस T1 6 है और इससे हमारी जो दूरी तय की गई है वह 240 मीटर आ जाती है। अब अंत में मैंने यही लिखा है कि जो तय की गई दूरी है वह चतुर्भुज ABDC का क्षेत्रफल होता है, जैसा कि अभी हमने देखा है। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समूह पर मीटर पर सेकंड व किलोमीटर पर आर से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र जैसे पहला दिया गया है वैसा इस्तेमाल या उपयोग होता है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी का वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। बाकी दो चित्रों में आप ये देख सकते हैं कि वेग समय के साथ घटता है या वस्तु की वेग में असमान परिवर्तन भी है। ये दोनों चीजें इन दो ग्राफ से दर्शाई गई है। आप इन पर थोड़ा सा समय लगाकर इनको समझ भी सकते हैं। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के तीन समीकरण निम्नलिखित हैं। पहला v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at² और तीसरा 2as = v² - u². यहाँ पर u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, वह v अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। जो पहला समीकरण है उसमें वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करा है तथा दूसरे समीकरण में स्थिति और समय के बीच संबंध व्यक्त करा है। तीसरे समीकरण में वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करा है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय संबंध के लिए समीकरण, यानी हमारा पहला समीकरण। कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को लें, जैसे कि हमने इस चित्र में दिखाया है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है बिंदु A पर और यह t समय में बढ़कर v बिंदु B पर हो जाता है। वेग इस एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। इस चित्र में बिंदु B से दो लंबे लंब BC एवं BE क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। प्रारंभिक वेग OA के द्वारा
अंतिम वेग BC के द्वारा तथा समांतराल TOC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। BD BC माइनस CD समांतराल T में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समानांतर AD रेखा खींचें। ग्राफ में हम पाते हैं कि BC is equal to BD plus DC यानी BD plus OA, जिसे हम लिख पाते हैं V is equal to BD plus U, क्योंकि BC V है और OA U होता है, जिसे हम ये लिख पाते हैं कि BD V minus U है। अब आगे जब हम देखते हैं तो त्वरण को हम ऐसे भी व्यक्त किए कर सकते हैं जैसे BD by AD यानी BD by OC, क्योंकि त्वरण A वेग में परिवर्तन बाय लिया गया समय होता है। OC हमारा टाइम यानी समय या T है, जिससे हमारा A BD by T हो जाता है और जिससे BD AT हो जाता है। इसे हम अगर ऊपर दिए गए समीकरण में डालें तो हमें V is equal to U plus AT यानी हमारा पहला समीकरण मिल जाता है। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण A से T समय में S दूरी तय की। दिए गए चित्र में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे घिरे क्षेत्र OAB से BC द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी S निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। S OABC का क्षेत्रफल होता है यानी आयत OADC का क्षेत्रफल में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ करके हमें मिलता है, जिसे हम OA into OC plus half into AD into BD भी लिख सकते हैं। अब OA हमारा यहाँ पर U होता है, OC AD के बराबर होता है और T होता है और BD AT होता है। अब इसको जब हम समीकरण में डालते हैं तो अब हमें S is equal to UT plus half AT square यानी हमारा पहला समीकरण मिल जाता है। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। दिए गए क्षेत्र में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण A से T समय में तय की गई दूरी S को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अर्थात S समलंब OABC का क्षेत्रफल है, जिसे OA plus BC into OC by 2 भी लिख सकते हैं। OA यहां पर U है, BC V है और OC T है, और जब हम इसको इस समीकरण में रखते हैं तब हमें यह मिलता है, जिसे हम अपने पहला समीकरण लिख देते हैं। अब वेग समय संबंध से हम पाते हैं कि T V minus U by A भी होता है। अब हम T का माप पहले समीकरण में रखते हैं या डालते हैं तब हमें यह इक्वेशन प्राप्त होती है। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण निकालने सीखे। हमने गति के तीनों समीकरण देखे, हमने अनेक प्रकार के ग्राफ देखे, जैसे कि समय वेग ग्राफ देखा और दूरी समय ग्राफ भी देखा, और इससे जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है उसके बारे में भी हमने देखा। तो अगले भाग में हम समीकरण के कुछ प्रश्न करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।